स्वागत है आप सभी का फुटबॉल एक्सप्रेस इंडिया चैनल पर और मैं हूं अतावारिस फारसी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं देसी फुटबॉल न्यूज़ का नया एपिसोड। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप में हाईएस्ट गोल स्कोरर इंडिया के लिए कौन रहेगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं केरला ब्लास्टर्स एफसी की, या केबीएफसी भी बुलाते होंगे। तो अगर आप फॉलो करते होंगे केरला ब्लास्टर्स को या इन जनरल इंडियन फुटबॉल को ही फॉलो करते होंगे तो आपको इतना ज़रूर खबर पता लग गई होगी कि केरला ब्लास्टर्स ने वुमेन टीम का डेवलपमेंट ट्रेनिंग पॉज कर चुका है। एंड ये इसलिए किया है क्योंकि AIFF ने उन्हें सैंक्शन दिया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि AIFF ने सैंक्शन क्यों दिया केबीएफसी को। तो अगर आप इस साल का ISL को याद करें तो आपको पता होगा कि केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु के अगेंस्ट सुनील छेत्री के फ्री किक को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। एंड इसी हंगामे पर इवान वुकामनोविच, जो कि हेड कोच थे KBFC के, वो पिच लीव कर दिए थे अपने प्लेयर्स के अलॉन्ग। एंड इसी के बाद AIFF को गुस्सा आकर उन्होंने केरला ब्लास्टर्स पर सैंक्शन लगाए थे एंड इवान वुकामनोविच को 10 मैच का बैन भी दिया है। सो जो सैंक्शन था उसमें ₹4 करोड़ केरला ब्लास्टर्स को देना था एंड अगर पब्लिकली अपोलोजाइज नहीं करती केरला ब्लास्टर्स तो 6 करोड़ तक भी ये सैंक्शन बढ़ सकता था। एंड इसी सैंक्शन के कारण AIFF ने जब ये सैंक्शन KBFC को दिया तो KBFC ने अपनी वुमेन्स टीम पर उसका असर दिखाया। एंड इसी के बाद अदिति चौहान द इंडियन वुमेन गोलकीपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पे आवाज़ भी उठाई कि जो मेन गलती कर रहे हैं उसका वुमेन फुटबॉल को क्यों भरना पड़ रहा है। सो आपको क्या लगता है कि इसका सलूशन क्या हो सकता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट। आपकी और मेरी तरह कई ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जिन्हें फुटबॉलर बनना है एंड हमें भी बनना था लेकिन फैमिली प्रेशर, इकोनॉमिक सिचुएशन के वजह से हम नहीं बन पाए या हम कोशिश भी उतना नहीं कर पाए। लेकिन अगर बात करें हमारी U17 टीम की तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंसेस दिखाया अगेंस्ट बिग स्पैनिश क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड। तो वो अभी अपना खेलने जा रहे हैं U17 AFC एशियन कप, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करिएगा। ये चालू होने वाला है फ्रॉम 15 जून एंड चलेगा 2 जुलाई तक। इंडिया अपना पहला मैच खेलने वाली 17 जून को अगेंस्ट वियतनाम। उनके ग्रुप में है वियतनाम, जापान एंड उज्बेकिस्तान। एंड इंडिया को माना जा रहा है कि वो आर द डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस टूर्नामेंट। एंड अगर स्ट्रीमिंग राइट्स की बात करें तो स्ट्रीम होने वाला है ये लाइव कवरेज ऑफ द U17 AFC एशियन कप ऑन JioTV। ऑफकोर्स ये बातें जियो ही ये सब लेता है। उसने IPL भी दिखाया हमें, उसने FIFA भी दिखाया एंड इनफैक्ट वो इंडियन फुटबॉल को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। सो ज़रूर देखिएगा, 15 जून से चालू होने वाला है। इंडिया का फर्स्ट मैच है 17 जून अगेंस्ट वियतनाम। ये इंडिया का 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम है पार्टिसिपेट कर रही है AFC एशियन कप में एंड इस बार का टूर्नामेंट थाईलैंड में। सो ज़रूर कवरेज देखिएगा, ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और बात करें अगर वुमेन्स फुटबॉल की तो दिस इज द फर्स्ट टाइम ईस्ट बंगाल FC IFA वुमेन्स शील्ड जीती है। दैट इज अ ह्यूज न्यूज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ईस्ट बंगाल FC। एंड बात करें वुमेन्स फुटबॉल की तो उसे सुनकर काफ़ी खुशी मिली थी कि वुमेन फुटबॉल भी इंडिया में राइज हो रहा है। इवन दो KBFC की तरफ से थोड़े खराब न्यूज तो आए थे लेकिन ईस्ट बंगाल हैज डन अ ग्रेट जॉब। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये न्यूज का ये है कि ईस्ट बंगाल FC IFA वुमेन्स शील्ड जीती है बाय स्कोरिंग 27 गोल्स एंड कंसीडिंग 0 गोल्स। सच अ ग्रेट न्यूज। एंड इसी पर आई कॉन्ग्रेचुलेट ईस्ट बंगाल FC वंस अगेन। सो एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं बिफोर डाइविंग इन ट्रांसफर न्यूज। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं एंड इनफैक्ट ओडिशा फैन से पूछना चाहता हूं कि आप कितना एक्साइटेड है आपके यहाँ पर 3 नए ट्रेनिंग फैसिलिटीज खुले इन भुवनेश्वर। एंड इनफैक्ट मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने रिसेंटली ओडिशा FC ने साइन किया था मुर्तदा फॉल एंड अहमद जहू को। सो आप कितना एक्साइटेड है उनके साइनिंग से? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रांसफर न्यूज की तरफ। तो अगर ट्रांसफर्स की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं गोकुलम केरला FC की, जो उन्होंने साइन किया है न्यू हेड कोच एंड वो एक स्पेनिश मैनेजर है एंड उनका नाम है डोमिंगो ओरामस। सो इससे क्या होगा कि गोकुलम केरला FC को
एक नया बेस मिलेगा एंड ऑफकोर्स ये बात एक फॉरेन कोच है तो इनके पास फॉरेन नॉलेज होगा, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी इंडियन फुटबॉल में। लेकिन मैं अक्सर चाहता हूँ, मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि इंडियन कोचेज ही बनना चाहिए इंडियन क्लब्स के कोचेज, लेकिन देखते हैं कि ये कोच नया क्या लेकर आते हैं, क्या इम्प्लीमेंट करते हैं इंडियन फुटबॉल को एंड कैसे इंडियन फुटबॉल इनका हेल्प करता है एंड ये इनफैक्ट इंडियन फुटबॉल का हेल्प करते हैं। और बात करें अगर फॉरेन प्लेयर्स की, तो अफगान मिडफील्डर फैजल शेयरते इन्होंने श्रीनिधि डेक्कन एफसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है अंटिल 2025 एंड इसी से श्रीनिधि एफसी को एक काफ़ी अच्छे मिडफील्डर मिल चुके हैं एंड एक फॉरेन मिडफील्डर मिल चुके हैं। सो रैप अप करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इंडियन फुटबॉल में सुनील छेत्री को कौन रिप्लेस कर सकता है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उनके स्टैट्स मैच कर सकता है आगे जाकर? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फुटबॉल एक्सप्रेस इंडिया।